ने बहुत ड्रामा किया। यही वाला जो ऊपर आया पिंक बेल्ट जो है मैं लगा लेती हूँ आज। बेट गेट टू फ्री चिकनकारी वाली कुर्ती। मम्मी असली है पापा नकली है। मंगवा लिए सबकी कह रही हूँ मैं। मेरा घर मेरा फोन गिर गया। लग गई सर पे लग गई। पीते भी है खाते भी। जिनका घर है उनको भी अच्छा लगेगा। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि अभी उठे हैं हम, 11:30 हो चुके हैं। सुबह उठे थे 7:30, चीकू को ट्यूशन स्कूल भेजा रेडी वेडी करके। आज चीकू ने बहुत ड्रामा किया, आज उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर हमने उसे जबरदस्ती भेज दिया स्कूल, तो वो जा चुका स्कूल। बस अब हम लोग रेडी होने वाले हैं सलाम के लिए। पहले शावर ले लेते हैं उसके बाद निकलते हैं सलाम के लिए। और आज ना चीकू के पापा यहाँ पे सोए थे, क्योंकि हमारे कमरे में क्या हुआ ना कि चीकू जो है ना पूरा रूम ना इतना कवर करके सोया था, पूरा ऐसे सोया था। तो जब चीकू के पापा सोए ना उनको जगह नहीं मिली, तो चीकू के पापा आज दूसरे रूम में सोए थे। तो ये जो यहाँ पे बंदूकें दिख रही है ना, ये हमारी पेंटिंग से निकली थी। और चीकू ने बोला है मैं आऊंगा, मुझे ऐसे के ऐसे ही चाहिए, तो यहाँ से हटानी नहीं है, यहीं रखनी है। तो आज ना बहुत दिनों बाद चीकू रोके गया है, क्योंकि इसका मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी स्कूल जाने का। प्लस कह रहा था बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे को क्यों उठा रहे हो, मेरी नींद खराब कर रहे हो। पापा ने उसको झूठ बोल के भेजा है कि काम करो आप, स्कूल चले जाओ, आपकी ना आज पिकनिक डे है। तो मुझे ना नहाते हुए पापा पूछ रहा, मम्मी गॉड प्रॉमिस पिकनिक डे, अब मैं खा नहीं पा रही गॉड प्रॉमिस। मैंने कहा हाँ बेटा पिकनिक डे, आप स्कूल चले जाओ। तो गाइस हमारे जो ऊपर का व्यू है ना बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है। देखो एकदम अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दूर दूर से सब कुछ दिख रहा है। मैंने ना हमारे जो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया ने उनको 2 बार फोन करा, भैया आ जाओ मशीन का काम कर दो। रोज बोलते हैं कल 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 और काम रह जाता है हमारा। तो गाइस आजकल ना मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाती हूँ, मेरा पेट जो है वो बहुत भरा भरा हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ जिन लेडीज को 3 बेबीज होते हैं 1 टाइम में, उन लोगों को कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा ना, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं ना तो भी ऐसा लगता है कि पेट पूरा भरा हुआ है। यही वाला जो ऊपर आया पिंक। तो गाइस ये वही वाला ड्रेस है जो मैं कल लेके आई हूँ जूडियो से, आज ये वाला ड्रेस मैं पहन के जाने वाली हूँ। और बड़ा ही सस्ता है, कितने का है? 600 रुपए का। तो इतने के आते हैं जूडियो पे, ज्यादा महंगा थोड़ी होता है। तो कल हम चीकू के लिए लेने गए थे, पर चीकू के लिए वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया हमें। तो 2 वन पीस ये थे गाइस, एक ये वाला और एक ये इसके हाथ में ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला हमने इसलिए लिया है गाइस, ये ना सेम रीत के पास था और इसका कपड़ा मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। हम इससे पहले भी ढूंढने गए थे पर हमें मिला नहीं था उस टाइम, कल हमें लकीली मिल गया और हमने ले लिया। मैं भी नई कुर्ती पहनूंगी, पता ना कौन सी पहनूंगी। बोलू इनमें से ना मैरून पे जाएगी ब्लैक, बाकी पे प्लाजो जाएंगे व्हाइट। तो गाइज मैं ये सोच रही हूँ कि आजकल मैं बैग ले जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो गोलू तो यही वाला ले जा रही है। तो मैं सोची दोनों के लिए नए बैग निकाल लेती हूँ, क्योंकि नए बैग जब निकाल के रखे तो यूज तो करने चाहिए ना। तो मैं जाके गोलू के लिए और मेरे लिए बैग निकाल लेती हूँ। गोलू कलर बता दे कौन सा, मैरून? तेरा मैरून निकाल लेती हूँ, मेरा पिंक निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना हमने बैग निकाल लिया, पायल ने पिंक बैग निकाला है और मेरे को दिया ये मैरून बैग, क्योंकि हम दोनों की आउटफिट ऐसी है कुछ। अब रोज निकाला करेंगे, थोड़ा आलस आता है बट कोई बात नहीं। तो बैग्स के साथ साथ ना हमें ना आज ना अपनी बेल्ट भी मिल गई, इसको अपनी जगह ठिकाने पे लगा। मेरे वन पीस के साथ ना मुझे बेल्ट भी मिली है, मतलब अलग से मिली है। तो ये वाली बेल्ट जो है मैं लगा लेती हूँ आज। तो यहाँ पे ना नई चादर बिछाई जा रही है नितिन भैया के रूम में। इतना भैया इतना भी नहीं, वो लगा रही है, क्या कर रहे हो? मैं सही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी नई चादर बिछाई जाएगी और गाइस ये वही चादर है जो हमें बाय टू मिली थी, मतलब बाय टू गेट टू का मतलब यही और यही तो होता है बाय टू। नहीं याद आ गया, बाय 2 गेट 3 गेट 2 फ्री गेट 3 2 थी 4 आई थी। 2 के साथ 2 फ्री नहीं थी, 2 के साथ 3 फ्री थी। तो हम खुश हो गए थे कि कौन देता है 2 के साथ 3। अच्छा 4 ही है। तो गोलू अभी हम आपस में साबुन रखने का स्टैंड नहीं है, तो गोलू ये लेके आई है क्योंकि हमारे पास ये ग्लास पड़े हुए थे, कह रही इसी में से निकाल के लगाएंगे और मतलब बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे और इसी में से निकाल के वापस रख देंगे। तो गाइस मेरा शावर हो चुका है और मैंने पहन लिया ये ड्रेस और बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही साइज लेके आई हूँ मैं, एम साइज लेके आई हूँ। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं सैलून के लिए। तो गोलू ने पहनी आज ये चिकनकारी वाली कुर्ती और मैंने तो वन पीस पहने ही आपको दिखाया ही है। तो एंड में ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि पर्स चेंज करूं, मैं वही वाला पर्स उठा के ले आई और स्लीपर्स भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला मुझे, इसका जूती पहननी थी। तो अभी ना मैंने और पायल ने बैठ के लिस्ट बनाई है चीकू के पापा के लिए, जो हम उनको डाइट पहले खिलाते थे जब उन्होंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था ना, तो वाली जो डाइट है ना उसकी हमने लिस्ट बना ली है। तो वो सामान हम मंगवाएंगे और कल से ना उनको वही डाइट देंगे। तो ये वाली जो डाइट है ना, ये वाला जो सामान है हम लोगों ने चेक कर लिया, जो जो हमारे पास है वो नहीं मंगवाया, जो जो नहीं है वो सब मंगवा लिया है। और आप लोगों से भी पायल जरूर डाइट शेयर करेगी जब बनाएगी वो।
तो ये वाला जो सॉन्ग है ना खुशी, इसमें मम्मी असली है पापा नकली है, क्योंकि पापा को ना उस टाइम पे एक्टिंग करनी आ नहीं देती ना, रोना आ नहीं रहा था। और ये वाले जो पापा थे ना बहुत बड़े एक्टर थे, और पापा की नाड़ पूरी लाल कर दी थी पायल ने रो रो हमें ना इतनी हंसी आ रही थी ना उस टाइम पे, मजा भी आ रहा था शूट करने में। तो गोलू खा रही है छोले, क्योंकि गोलू ने मंगाए थे अभी छोले कुलचे, तो मैंने और गोलू ने एक एक कुलचा खा लिया। वैसे गोलू ने अपने लिए मंगाया था पर मुझे भी दे दिया एक, तो मैंने भी खा लिया, कुलचा खाया दोनों ने। तो गाइस खाना आ चुका है, पर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज ऑफ अभी गोलू ने मेरे को एक कुलचा खिलाया था जिसकी वजह से मेरा पेट फिर से भरा भरा, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि थोड़ा सा खाती हूँ पेट भरा भरा हो जाता है। तेरी रिपोर्ट्स भी मांगनी है ना एडवांस हॉस्पिटल से, बहुत दिन हो गए उनको, खुद का फोन आना चाहिए। हाँ की जो मेरी रिपोर्ट्स ना 3 दिन में आ गई थी, और खुद से मुझे ना एक एक रिपोर्ट भेज दी थी उन लोगों ने, अब हमने मांगी नहीं तो उन्होंने भेजी भी नहीं। अभी मैं फोन करके मैसेज करके बोलती हूँ आपने रिपोर्ट्स नहीं दी अभी तक। तो यहाँ पे ना मैंने सबकी मेडिसिन मंगवा ली है, सबकी कह रही हूँ मैं, मेरी और पायल की मेडिसिन मंगवा ली है, क्योंकि बहुत दिन से हमारी मेडिसिन खत्म हो गई थी, एक दिन की स्किप हो गई थी, और काफी मेडिसिन जो थी वो दो दो तीन तीन रह गई थी, तो मैंने कहा चलो एडवांस में मंगवा लेती हूँ। तो हमने कर लिया है, ये तेरी है और ये मेरी है। तो पहले ना मैं क्या करती थी, मैंने जो डब्बे होते थे ना वो संभाल कर रखती थी, पायल मुझे बोलती थी गुरु तू डब्बे क्यों रखती है, मैं बोलती मुझे पता नहीं चलता दवाई का। फिर मैंने एक हफ्ता खाई ना तो मुझे अपने आप अंदाजा हो गया ये दवाई कौन सी है, दवाई कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन एक साथ खा रही थी मैं। तो अब मैं क्या करती हूँ डब्बे निकाल देती हूँ, पायल ने भी अपने डब्बे निकालती हूँ, मैंने भी निकाल। तो गाइज यहाँ पे ना हेयर एक्सटेंशन हो रहे हैं और ये 22 इंचेस है, तो अगर आप लोगों को भी हेयर एक्सटेंशन लगानी है तो जल्दी से आइए, जो हमारा ऑफर है वो है 31 दिसंबर तक वैलिड। तो गाइज ऑफर ये है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों को जो हेयर एक्सटेंशन है उसका स्टार्टिंग प्राइस पड़ेगा 15,000 से स्टार्ट होंगी, और 15,000 में आपको 18 इंचेस मिलते हैं, मतलब 18 इंचेस से स्टार्ट होते हैं। अगर आप लोगों को भी बुक करनी है तो आप हमारे को कॉल कर सकते हो, हमारे इस नंबर पे हेयर गार्डन सैलून पे कॉल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको हेयर एक्सटेंशन करवानी है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बालों में वॉल्यूम चाहिए, जिनके बाल बहुत कम होते हैं उनको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए भी वो हेयर एक्सटेंशन करा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो हेयर एक्सटेंशन होते हैं वो आपको मैंने पहले भी बताए थे नैनो वाले हैं, ग्लू वाले नहीं है, और नैनो वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और मेरे अभी 2 महीने हो गए अभी तक चल रहे हैं। तो पायल चली गई है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, लेटने के लिए, पता नहीं उसे नींद आएगी नहीं आएगी, बट ना मैंने ना बहुत बार ट्राई करा, मतलब ये लगा लो 3 से 4 बार ट्राई करा ऑफिस में सोने के लिए, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों मुझे इन कमरों में नींद आती ही नहीं है, मतलब इससे अच्छा ना मैं गाड़ी में सो जाऊं ऑफिस से अच्छा। तो अभी डॉक्टर को कॉल किया था और बोला रिपोर्ट्स जो है ड्यूअल वाली आप भेज दीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी और मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स में क्या आया, तो रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है, सब कुछ सही है। तो गाइस जानती नहीं ना इतना कुछ भेजा है खाने को, इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे ना कुंभे के लिए भेज दिया खाना, इतना सारा सामान कौन देता है, फ्रूट्स भी 2-2 डब्बे, सब्जी भी 2-2, चावल भी, रोटी भी, दही भी, तो मैं ये चीज सोच रही हूँ कि इसको कौन खाएगा। तो यहाँ पे ना मैं अपना स्पून ले हूँ किचन से और मैं बैठ के रायता खा रही हूँ, रायता बड़ा बढ़िया लग रहा है। इनकी एक्सटेंशन हो गए एकदम डन, और इन्होंने एक्सटेंशन लगवाए थे वॉल्यूम के लिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सीरियसली एकदम अच्छे से मर्ज हो गए हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट ना मेरे भी 2 मंथ्स हो गए एक्सटेंशन को, और सच में इतना अच्छा रिजल्ट है, इतनी सेटिस्फाई हूं ना मैं। तो आप जल्दी से आइए हेयर गार्डन सैलून और अपने एक्सटेंशन यहाँ पे आके करवाइए। 1.5 घंटे की नींद पूरी करी है मैंने, आराम से सो गई थी, पर बीच में कोई आ गया था तो थोड़ा नींद डिस्टर्ब हो गई मेरी। बीच में क्या हो रहा था, मेरे को नींद आती थी, मैं सोती नहीं थी यहाँ पे सैलून में, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अगर नींद आएगी तो जरूर सोऊंगी। तो गाइस मैं निकल गई हूँ सैलून से और मैं जा रही हूँ घर, पायल जा रही है चीकू के पापा के साथ स्टूडियो, पायल ने रेस्ट कर लिया था, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, तो फिर मेरा घर मेरा फोन गिर गया, बातों के चक्कर में मेरा फोन गिर गया, वैसे भी टूटा हुआ है, इससे ज्यादा क्या टूटेगा। तो गाइज मैं ना बिल्कुल भी फोन की केयर नहीं करती, ये फोन मैंने जब लिया था ना उसके 1.5 महीने बाद तोड़ दिया था, और तब से मैं यही फोन यूज कर रही हूँ, तो 1.5 से 2 साल लगा लो, हाँ 2 साल हो गए मुझे फोन यूज करते हुए। तो अब मैं नया लेने की जो मेरी इच्छा है ना वो है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको कैरी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर ना सारी सब्जियां और जो फ्रूट है सब आ गए हैं, लगता है शांति सब सेट कर रही है, कर दिया शांति सब कुछ सेट, हेलो भाई सब कुछ सेट हो गया, हेलो क्यूटी पाई, क्या लग गई सर पे लग गई, आवाज आई थी, बाहर आपका वो पड़े वो चौकस और दूध खाया क्यों नहीं, ठंड नहीं लग रही खड़े हो। तो इस लड़के को ना आते जैकेट पहनाई है और ये सोया नहीं, आप क्यों नहीं सोए बेटू, चलो मैं भी आपके लिए आई हूँ, देखो दोनों मम्मा में से एक मम्मा तो आ गई है, अब एक काम करूंगी फटाफट आप चौकस खिलाओ कह रही हूँ, चौकस खाना और फिर नीनी करेंगे ठीक है। चीकू पहले ये खा लो फिर सोएंगे, चलो ये कौन खाएगा बेटा, से वेस्ट नहीं करते आ जाओ। तो मैंने यहाँ पे ना चीकू के कपड़े भी रख दिए, इनके कपड़े भी रख दिए, ड्राई क्लीन के लिए दे दूंगी कल, और साथ ही साथ ना आज मैंने विंटर का
वेट सूट निकाल लिया क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, तो ये काफी सही है, वार्म है, तो ये पहन लिया। और सोने से पहले ने जरा आगे हमारे लिए दूध और आगे ब्रेड। चीकू दूध ब्रेड पीते हैं, खाते हैं और सोते हैं बेटा। दूध ब्रेड पीते हैं, पीते भी है, खाते भी। चीकू देख, अब शांति बोल रहे थे ना सोने के लिए, नंबर भी देख के गए कह रहे थे ना सोए तो फोन कर दो। मेरे को स्पेशली भेजा है कि इसको सुला दियो गोलू। तो यहाँ पर ना हमारा जो ड्राइंग रूम है ना उसका मैट आ गया है, भैया मैट बिछा रहे हैं। तो ना अभी बज रही है रात के 8:30 और चीकू सो गया था 7 बजे, मैं भी चीकू के साथ सो गई थी। कारपेट वाले भैया का फोन आया कि मैम मैं आ गया हूँ, तो मैं उठी। बहुत ही सुंदर लग रहा है ड्राइंग रूम का कारपेट। अभी मंदिर वाली साइड का भी कारपेट बिछ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस साइड मंदिर वाला कारपेट है वो बिछ रहा है, और ये ड्राइंग रूम का कारपेट सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे जो मूड़े है ना इनके साथ पूरा मैच कर रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ का भी ना कारपेट बिछ के और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सच में गाइस ये जो कारपेट है ना इतना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट कारपेट है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आज खाने में ना बिल्कुल सिंपल खाना बना है, आलू का रायता है, साथ में दाल है और चावल है और साथ में रोटी है। और इधर ना शांति ने टमाटर भून कर रखे थे, पायल ने कहा था वो आकर चटनी बनाएगी, तो जब पायल आएगी तो फिर चटनी बनाएगी। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए फ्रूट्स लेकर आ गई हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ मैं। तो गाइस जैसे अभी मैं स्टूडियो से आई हूँ, मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और आज बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा बिल्ला भैया के साथ, बिल्ला सोनीपत आला, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। अब मैं जा रही हूँ जरा नीचे 8th फ्लोर पे, क्योंकि नीचे जो है सफाई चल रही है। गाइस ये वाला फ्लोर जो खाली किया है उसको डीप क्लीनिंग करा रहे हैं, क्योंकि देने से पहले अच्छे से साफ होना चाहिए घर। जिनका घर है उनको भी अच्छा लगेगा, पूरा क्लीन करके देंगे तो, इसलिए पूरा जो डीप क्लीन करा रहे हैं यहाँ पे। तो बस गाइस अभी यहाँ चल रही है पिज्जा पार्टी, गोलू हरी पिज्जा फेंटा पी रही है। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।